हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के ऊपर हमने बनाया है, जिसमें कि हमने जो हमारा सोसाइटी है, हमारा शहर है, हमारा गांव है, किस तरह से डेवलप हो रहा है और जो हमारा गांव है शहर में कैसे तब्दील हो रही है, जैसे कैसे ट्रांसफर मतलब चेंज हो रहा धीरे धीरे करके, उस चीज़ को हमने एक मॉडल में शो किया हुआ है कि आप कोई भी शहर का पहले आप देखे होंगे, पहले आप इस तरह होता है, फिर इस तरह अंडर डेवलपमेंट, ये अनडेवलपमेंट है, ये अंडर डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट डेवलप्ड, तो ये इस तरह का हमने सारा मॉडल ये 3D में शो किया हुआ, जिसको भी देखने से आप लोग को क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रोसेस होती है और आप लोग इसे अपने स्कूल कॉलेज के लिए बना सकते हैं और अपने TLM के लिए बना सकते हैं, जो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बना सकते हैं। तो सारा प्रोसेस में हमने आपको सब चीज़ कवर किया हुआ इसमें, तो आपको एक एक चीज़ हम बताते हैं आपको, और जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले जो नंबर से हो रही है उस नंबर पर आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस है, विद इन वीक आपको रिसीव हो जाएगा, और ये मॉडल सेम एज इट इज़ आपको इस तरह मिलेगा जिस तरह आपको दिखा रहे हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये हमारा अनडेवलपमेंट में शो किया हुआ है, विलेज का सीन क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हो विलेज में हॉस्पिटल हमारे कैसे होते थे। हॉस्पिटल छोटा सा घर होता था, उसके अंदर हॉस्पिटल होते थे, एक सिंगल डॉक्टर होते थे, और वो मैनुअली कोई भी ऑपरेशन मतलब ऑपरेट कोई भी बीमारियों को मैनुअली चेक करते थे, ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया हुआ है सीन में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो यहाँ का जो आदमी रहन सहन किस तरह था, यहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट थी, जैसे कोई अगर कोई चीज़ का कोई फैसला करना हो तो वो खुद आपस में करते थे एक पंचायत बिठा के, तो इस तरह का हमने स्क्रीन क्रिएट किया इसमें। और स्कूल जो हमारे होते थे, स्कूल भी छोटा सा होता था, जिसके अंदर की हमारे यूनिफॉर्म बहुत ही कॉमन बहुत ही सिंपल और होते थे, जिसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कुछ फार्म भी होते हैं, फार्मर लोग होते हैं जो अनडेवलप्ड जो पार्ट है, इसके अंदर हमने कुछ फार्म शो किया हुआ है, जो कुछ फार्म शो किए हुए हैं, तो इस तरह का सीन यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं फर्स्ट सीन में। और सेकंड पार्ट में जो अंडर डेवलपमेंट है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं स्कूल का साइज हमारा बढ़ चुका है, स्कूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है, पहले के वैसे बेटर हो चुका है, यूनिफॉर्म में चेंज हो चुका है, यूनिफॉर्म इस तरह का हो चुका है, और कुछ जो वहाँ के पर्सन है, पर्सन में रहन सहन का चेंज हो चुका है, घर बड़े हो चुके हैं, और यहाँ हॉस्पिटल का भी थोड़ा सा सुविधा बड़ा हो चुका है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़्यादा हो चुके हैं, डॉक्टर की संख्या बढ़ चुके हैं, और वहाँ पे अच्छे तरह थोड़ा उनसे बेटर यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहे हैं जो पेशेंट को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमने सीन क्रिएट किया हुआ है इस पार्ट में। और जो लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट में आप बैकग्राउंड से भी आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, बैकग्राउंड में जो हमें इमेजेस लगाए हुए हैं उसमें आपको देख रहे हो पूरा सिटी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल डेवलप्ड सिटी, जिसके अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी शहर मतलब कि इमारतें लगी हुई और सुंदर सा बढ़िया बना हुआ सारा चीज़, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए उस तरह से बना हुआ है। बाकी आप देख रहे हो हॉस्पिटल में इम्प्रूवमेंट, आप देख रहे हो हॉस्पिटल का कि आप यहाँ फ्लोर देख सकते हो, हॉस्पिटल में टाइल देख सकते हो, इस हिसाब से मॉडिफिकेशन हुई है, व्हील चेयर का इन्वेंशन हुआ है, व्हील चेयर सब होते हैं, तो सारा चीज़ धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारा प्रोसेस को शो किए हुए, जो यहाँ के पब्लिक हैं, पब्लिक में भी मॉडिफिकेशन रहन सहन में हो गया, घरों में हो चुका है, तो व्हीकल हो गया, जैसे या एम्बुलेंस सर्विस कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्विस हो चुका है, और जो स्कूल है स्कूल में भी डेवलप हो चुका है, स्कूल भी हमारा जो हमारा आज हाईटेक स्कूल हो रहा है, जिसके अंदर की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो सारा चीज़ स्कूल बस हो गए, ये सब सारा चीज़ हमने इस तरह से क्रिएट किए हुए हैं, जो कि हम आप लोग को तीनों में डिफरेंट नज़र आ रहा है कि हमने तीनों में डिफरेंट क्या क्या चीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी ये प्रोजेक्ट का, तो बताइए कैसे लगे कंप्लीट प्रोजेक्ट ये हमारा, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको इस तरह का एजुकेशनल प्रोजेक्ट और एजुकेशनल किट का हेल्प मिल पाए और वो भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।